नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक अर्निंग का ऐसा सोर्स जिसके चलते आप भी अच्छे से अर्निंग कर पाओगे। दोस्तों आपको पता होगा पैसिव इनकम के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। पैसिव इनकम क्या होती है, जैसे सपोज आपने एक प्रोडक्ट बनाया दोस्तों, ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट को रख दिया बना के, आपका सिर्फ काम क्या है उस प्रोडक्ट को बनाना। एंड अगर आप उस प्रोडक्ट को बना देते हो, लेट अस सपोज गाइस एक म्यूज़िक आपने बनाया, एक म्यूज़िक म्यूजिशियन ने एक म्यूज़िक कंपोज किया, या फिर एक बुक सेलर ने बुक कंपोज करी, ठीक है ठीक है, बनाई उसने, काम बस एक टाइम का है और जो उसको इनकम है ना दोस्तों वो उसको मरते दम तक मिलती रहेगी। तो यही कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं कि विदाउट एनी स्किल्स। गाइज मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, मेल्स आती हैं कि सर मुझे प्लीज़ ऐसी चीज़ बता दो जिससे हमारा, मतलब हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हैं हम क्या करें ऐसा जिससे हमारे पास पैसा आता रहे। और तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, और इस टेक्निक में दोस्तों आपको कोई भी आपकी जेब से कोई पैसा नहीं लगेगा, बल्कि आपको वो बुक्स और म्यूज़िक को बेचना है जो कि नॉन कॉपीराइट हैं, जो कि हम रीसेल कर सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा भी नहीं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं आप तक ऐसी वीडियोस आराम से पहुंचा सकूं। जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो अर्निंग करना चाहते हैं, प्लीज़ इन सारे टेक्निक्स को अप्लाई करिए, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों रोज़ बनाता रहता हूँ ये वाली वीडियोस, ऐसी वीडियोस, ताकि आपकी अच्छी से अर्निंग हो सके। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे आइए, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए आप कैसे करते हैं। तो ये एक वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कैसा अर्निंग का सोर्स है, ठीक है। 80% आपको प्रॉफिट मिलता है दोस्तों अगर आप म्यूज़िक को सेल करते हो, और 90% प्रॉफिट मिलता है अगर सपोज कि दोस्तों आपकी एक बुक 100 रुपये की है, तो उसमें से आपको 10 रुपये देने हैं इस वेबसाइट के मालिक को, और आपके 90 रुपये आपकी जेब में होंगे। और अगर आप म्यूज़िक देते हो दोस्तों तो 20 रुपये आपको ओनर को देने हैं, और 80 रुपये आपके हाथ में आएंगे, ठीक है। और दोस्तों ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, आप देखो इसके पार्टनर्स भी बहुत सारे हैं, एप्पल, स्पॉटिफाई, अमेजोन, यूट्यूब, गूगल प्ले, देखो आप कितनी वेल नोन कंपनीज हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट अ फेक वेबसाइट गाइज, और अच्छे से अर्निंग इसमें हो जाती है। और अब मैं बताता हूँ दोस्तों, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर हमें तो म्यूज़िक कंपोज़र करना आता ही नहीं, और अगर आता भी है दोस्तों तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका, अगर आप वो उनमें से हैं जो कि खुद पब्लिश करते हैं बुक्स या फिर म्यूज़िक कंपोज करते हैं, आपके लिए तो दोस्तों बेस्ट वेबसाइट है ये, ठीक है। लेकिन मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिनको कोई भी मतलब स्किल जिनके पास है ही नहीं, जिनको आता ही नहीं है, उनको मैं एक टेक्निक बताता हूँ जिसके थ्रू वो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों इस वेब पेज पे हमें साइन इन करना है, आप अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, और अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, और यहाँ पे दोस्तों गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके समक्ष एक ऑनलाइन पेज खुल जाएगा, ठीक है, ये आपका पेज है ये जो आपको भरना है, तो मैं इसमें जल्दी से भर देता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं अपना डिटेल, ठीक है, अपना यूज़र नेम डाल दीजिए, अपना पासवर्ड डाल दीजिए। दोस्तों बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको जल्दी से, आप अपने मोबाइल में भी इसको फिल कर सकते हैं, अपने पेट का नाम बता दीजिए टॉम, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये वाली पर्सनल डेटा को फिल करने की ज़रूरत नहीं है, टाइटल को भी नहीं, यहाँ पे आप आइए मेल, ठीक है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन लिख दीजिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मांग रहा है। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप सारे बॉक्सेस पे टिक कर दीजिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ आप सारे बॉक्सेस पे टिक कर दीजिए, और मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूँ। और यहाँ पे देखो सबमिट फ्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए,
अब दोस्तों आपके जो ईमेल आईडी है ना, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपको मेल आया होगा, आपको बस उसको एक्टिवेट करना है। दोस्तों ये देखो मेरे को मेल आया था, एक्टिवेट योर फीवर अकाउंट। ओके, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो पूरा का पूरा वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे आना है आपको माय अकाउंट पे, और देखो दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो देखो आपका खुल गया। आपको अपना जो भी आपका है दोस्तों अकाउंट, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सा अकाउंट है आपका। तो ये आपका अकाउंट है दोस्तों, ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है। तो देखो अब दोस्तों क्या है यहाँ पे, देखो अब शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा स्टेप कैसे आपको करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखो ई बुक्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, और ई बुक्स के ऑप्शन में यहाँ पे देखो ई बुक्स, ठीक है, आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हो। और भी एक टेक्निक बताता हूँ आपको, जहाँ से आप कर सकते हो क्रिएट न्यू बुक, न्यू ई बुक, इस पर क्लिक कर दीजिए आप। तो दोस्तों अब आपके पास आएगा ये वाली प्रोफाइल, ठीक है, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ई बुक के जो भी आपकी बुक होती है ना दोस्तों, उस पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। आप देखना उसके जो फ्रंट पेज पे होता है या बैक पेज पे, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं बुक पे। आप जब भी कोई भी देखोगे ना बुक, आप उठा के देखो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना होता है, कौन से लैंग्वेज में लिखी हुई है, इंग्लिश में, ठीक है, उसके कीवर्ड्स क्या हैं दोस्तों, क्या कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या वो मोटिवेशन वाली है, बिजनेस वाली है, या फिर बच्चों की मैथ्स की किताब है, ठीक है, साइंस की किताब है, कौन सी है, उसके बारे में थोड़ा सा ऑथर का डिस्क्रिप्शन, जिसने बंदे ने वो लिखी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उसके ऊपर, और इसको इसी पे सिलेक्ट होने दीजिए, लेआउट पे अलाउ रेंटल, इसको देखो दोस्तों जिस पे स्टार है ना, आपको सिर्फ वही वाली चीज़ फिल करनी है, बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या है, कैंसिलेशन डेट यहाँ पे इन्होंने डाल दी है कि 2099 में मेरी जो ये बुक की एक्सपायरेशन है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, आप डाल सकते हो कोई भी डेट डाल सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो, आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिक जेनरिक, मतलब दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो बुक का कौन सा मतलब क्या है, उसका थीम क्या है, उसकी कौन सा जेनेरे है, ठीक है, यहाँ पे आप वेट करना, अपने आप लोड होता रहेगा आपका, और आपको बस एक सेलेक्ट करना है, क्या है वो, कॉमिक है, पोएट्री है, या फिर कौन सी है, आपको ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। थीम भी आपको पता होगा दोस्तों, थीम भी आप यहाँ पे लोडिंग में टाइम, देखो दोस्तों यही वाली चीज़ आपकी पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, आपको बस कोई कुछ नहीं करना, कौन सी किसके ऊपर है, कंप्यूटर की बुक है, कुकिंग की बुक है, कौन सी बुक है, आपको बस प्लस पे क्लिक करना है, और जस्ट उसके अंदर भी एक कैटेगरी आएगी, सपोज जनरल है तो बस जनरल, ठीक है, ऐसे आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस सेलेक्ट कर लेना है एक ही जनरल जेनेरे, आप पूरा वो कर लीजिए सेलेक्ट, दूसरा भी अगर आपको करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एज रिस्ट्रिक्शन है क्या दोस्तों, 13+ देख सकते हैं, या फिर 6 से 8 साल के बच्चों के लिए है, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा 13+ डाल लीजिए। ओरिजिनल टाइटल क्या है उस बुक का, वही कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आर्टिकल नंबर, ये सब चीज़ें आप रहने दीजिए क्योंकि इसमें स्टार नहीं है, ठीक है, जिन जिन चीज़ों में स्टार है दोस्तों सिर्फ वही चीज़ सिलेक्ट करिए, और आप जाके यहाँ पे सेव ड्राफ्ट और कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। सेव ड्राफ्ट कंटिन्यू पे करने के बाद दोस्तों आपको करनी है ये अपलोड। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आप प्लीज़ ये तो बताइए कि हम बुक्स कहाँ से लेके आएँ, हमारे पास तो कोई बुक है ही नहीं, और आप बोल रहे हो नॉन कॉपीराइट, कहाँ से लेके आएंगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए वेबसाइट लेके आया हूँ जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्या नाम है इसका, freeplrdownloads.com। ओके दोस्तों यहाँ पे सारी की सारी नॉन कॉपीराइट आपके बुक्स मिल जाएगी। कैसे करनी है आपको, यहाँ पे देखो दोस्तों कैटेगरीज के ऑप्शन में आना है आपको, और यहाँ पे देखो फ्री PLR ebooks, यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ सिलेक्ट करनी है, और आपका ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा दोस्तों। और आपको कुछ नहीं करना, कोई भी एक बुक सिलेक्ट करनी है। अगर आपको कोई अच्छा सा जनरे चाहिए दोस्तों, जैसे बिजनेस से रिलेटेड, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड ई बुक, ई बे, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, पेरेंटिंग, पेट्स के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, स्पिरिचुअल बुक्स,
बहुत सारे जनरल हैं दोस्तों, आप इतनी अच्छी पैसिव इनकम कर सकते हो। मैं तो चाहता हूँ दोस्तों कि आप एक दिन लगा के ना सारी की सारी बुक्स पब्लिश कर दो इस पे, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, बस पब्लिश कर दी और धीरे धीरे देखोगे दोस्तों आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। और आपके सारे जो ऑर्डर है ना दोस्तों, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैलेंस है ना, वो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। और आपको बस अपने पेपैल अकाउंट को लिंक करके बस आपको अर्निंग कर लेनी है। तो दोस्तों कैसे करनी है, देखो आपको यहाँ पे जाना है, डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखो दोस्तों सारी के सारे डिस्क्रिप्शन है बॉक्स का, जो आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब आप आराम से कर सकते हो दोस्तों। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ना दोस्तों, तो स्टार्टिंग के पेजेस पे इस बुक की कहाँ पे है डाउनलोड का ऑप्शन, ये देखो दोस्तों यहाँ पे देखो डाउनलोड का, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? और ये देखो दोस्तों, जैसे ही आप बुक या डाउनलोड करोगे ना दोस्तों, जो बुक का फर्स्ट सेकंड पेज होगा ना, या फिर आप इसके बारे में सर्च भी कर लीजिए किस ऑथर ने लिखी है ये, ठीक है, और किस बंदे ने लिखी है, या फिर अगर ये किसी ने नहीं लिखी है दोस्तों, तो आप अपना भी नाम डाल सकते हो, ठीक है? और ये दोस्तों बिल्कुल भी इसके ऊपर कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये बुक्स हमारी, हम किसी को भी सेल कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत आसान है दोस्तों, ये आपको सारी की सारी बुक्स इसी बुक्स में मिल जाएगा। आप जब खोलते हो ना दोस्तों, तो स्टार्टिंग में आपको ये सारी ऑथर के ऊपर डिस्क्रिप्शन, किस बंदे ने लिखी है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है? जो स्टार लगा हुआ है ना दोस्तों, सिर्फ आपको वही चीज़ें सिलेक्ट करनी है, बाकी कोई चीज़ें सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है? सेव ड्राफ्ट पे करके दोस्तों आपको बस अपलोड करनी है, और उसके बाद क्लिक करना है पब्लिश पे, आपकी सारी की सारी बुक्स पब्लिश हो जाएंगी, ठीक है? और दोस्तों उनके लिए अब मैं बताता हूँ, जो मतलब म्यूज़िक करना चाहते हैं आप, यहाँ पे न्यू रिलीज पे क्लिक करिए दोस्तों, ठीक है? जैसे ही आप करोगे ना दोस्तों, तो आप म्यूज़िक पे सिलेक्ट भी कर सकते हो। देखो क्रिएट न्यू रिलीज, यहाँ पे क्लिक करो, तो अब आप दोस्तों क्या कर सकते हो, जो नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक होते हैं, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक डाउनलोड, ठीक है? तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ म्यूज़िक ऐसे होते हैं जो नॉन कॉपीराइट होते हैं। आप कोई भी लिंक, मैं इसका भी डाल दूंगा दोस्तों आपके समक्ष इसका लिंक, तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारे देखो आप, कितने सारे हैं आप सोचो तो सही, अगर आपने इतने सारे की लिस्टिंग कर दी, रोज़ आप दो या तीन गाने अगर आप कर भी देते हो दोस्तों, उसमें से अगर एक दो भी ऑर्डर जा जाते हैं तो दोस्तों बुरा नहीं है। आपको बस एक बार आपका बस एक स्टोर क्रिएट हो गया दोस्तों ऑनलाइन, ठीक है? इसको आप ऐसे समझो, आपका एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट हो गया है, बस आपको बस अपनी चीज़ें अपलोड करनी है, वो भी दोस्तों आप लीगली कर रहे हो, आप किसी का काम चुरा नहीं रहे हो। क्योंकि दोस्तों जो नॉन कॉपीराइट चीज़ें होती है ना, वो बनाई ही इसीलिए जाती हैं कि वो कोई भी यूज़ कर सके, तो आप उसको सेलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये बाहर के जो बंदे होते हैं ना दोस्तों, वो ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं शॉपिंग करने में, ठीक है? और दोस्तों बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अगर आपको ऐसी चाहिए, पसंद हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आपको कैसी लगी ये वीडियो। और दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर वीडियोस चाहिए कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं अपने पैसों को, अगर आपके पास अच्छे अमाउंट ऑफ मनी है, या फिर नहीं भी है दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में अगर चाहिए वीडियो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे, ठीक है? और दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि मैं आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचाता रहूं, और मैं आपकी मदद करता रहूं दोस्तों, आपका सपोर्ट पार्टनर बन जाऊं, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूं। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों।